राजनीति में कुछ भी बेफिजूल का नहीं होता। रमजान के दौरान जब राहुल गांधी दिल्ली में घूम घूम कर स्ट्रीट फूड का मजा ले रहे थे, तब वो असल में एक फूड ब्लॉगर के साथ थे। ठीक वैसा ही जैसा इंटरव्यू उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया। इस बार राहुल गांधी ने न सिर्फ अपनी पसंदीदा डिश के बारे में बताया, बल्कि उस पॉलिटिकल लीडर का नाम भी बताया जो सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। राहुल गांधी से जब पूछा गया उनका फेवरेट पॉलिटिशियन कुक कौन है, तो उन्होंने लालू यादव का नाम लिया। वही घर पर उन्होंने बताया कि माँ सोनिया गांधी सबसे अच्छा खाना बनाती है। राहुल गांधी बीते दिनों मोहब्बत का शरबत पीने पुरानी दिल्ली पहुंचे, लेकिन ये तो उनका लास्ट स्पॉट था। इससे पहले राहुल ने गोलगप्पे से लेकर टिक्की छोले भटूरे, लस्सी, वड़ा पाव, तंदूरी चिकन, नान, व्हाइट चिकन, मटन सीख कबाब सब ट्राई किए और इस दौरान बहुत सारे मजेदार सवालों के जवाब दिए। राहुल भले ही एक खानदानी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, लेकिन वो जब भी मन करता है तब बाहर आकर ऐसे स्ट्रीट फूड का मजा लेते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने स्पॉट बताए, जैसे पीवीआर प्रिया के पास पिज्जा स्पॉट, मोती महल का तंदूरी चिकन। अपने पिता राजीव गांधी के साथ राहुल जिस चाइनीज रेस्टोरेंट पर जाया करते थे, उन्होंने उसका भी नाम लिया, फूजिया। इसके अलावा राहुल ने बताया कि वो हर रोज एक घंटा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उन्हें स्पाइसी पसंद है, लेकिन मीठा उनका फेवरेट है। राहुल ने इस दौरान ये भी बताया कि उनकी बहन प्रियंका गांधी को चाट बेहद पसंद है। इंटरव्यू के दौरान फूड ब्लॉगर ने बॉम्बे का भी जिक्र किया और वहां के वड़ा पाव, पानी पूरी के बारे में बताया, जिसके बाद राहुल ने भी इस पर कहा कि उन्हें बॉम्बे में ऐसे खाने का मौका मिला नहीं, लेकिन अब वो एक बार वैसे जरूर जाकर वहां भी स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगभग पूरा भारत घूम लिया। उनसे पूछा गया कि कहां का खाना उन्हें पसंद है, उन्होंने साउथ इंडियन और पंजाबी खाने का नाम लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो गोल्डन टेम्पल के बाहर मिलने वाले कुलचे भी खाए। इंटरव्यू की एक और खास बात थी कि राहुल गांधी उसी अल जवाहर रेस्टोरेंट में तंदूरी चिकन खाने पहुंचे, जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और खुद जवाहरलाल नेहरू ने इसका इनॉग्रेशन किया। राहुल गांधी वैसे तो काफी एक्टिव है, वो अपना काम खुद करते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन अक्सर अपनी माँ या बहन प्रियंका उनके पास ही खाना खाते हैं। हालांकि किसी दिन उन्हें खाना बनाना पड़ता है तो वो ऑमलेट बना लेते हैं। बहरहाल इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद इतना तो पता चल गया है कि राहुल गांधी ने बीते दिनों बस यूं ही दिल्ली स्ट्रीट फूड कॉर्नर नहीं पहुंचे। एक राजनेता जिसकी अभी संसद की सदस्यता गई, वो बेफिक्र होकर दिल्ली के जायके का मजा ले रहा है, लोगों से मिल रहा है, बातें कर रहा है। ये भले ही नेचुरल हो, लेकिन कांग्रेस की परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। नेता अक्सर किसी बड़े पत्रकार को अपना इंटरव्यू देते हैं, लेकिन राहुल गांधी फूड ब्लॉगर्स को इंटरव्यू देते हैं, जो वाकई अनोखा है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।